व्यसने अग्ने प्रजाब बहुलाम में करोद्वन्नम पयोरे तो अश्माशु नारायण श्री सीताराम आवाज और बढ़ाइए है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंथ कोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भव पंथ कोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर
बुद्ध सारम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध के तैयार वसंत मरदारविंदवारी सहित ग्रहणम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु अनंतकोटि नमस्कारान् निवेदयामि नमस्करोमि। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमः। धर्म अनुरागी सज्जनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। त्याग परमात्मा समर्पण नमः और अदिष्ट रूप में इस गांव के ही नहीं समूचे क्षेत्र के लोगों पर अमन चैन शांति और खुशहाली का वर्षा करने वाली मां सती शिव मंदिर के इस प्रांगण में विगत दो दिनों से अमृतमयी कथा का रसपान आप लोग कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। मां सती और बाबा भोलेनाथ का ये जो प्रसिद्ध मंदिर निर्माण चल रहा है, आप ही लोगों के सहयोग से मां सती के आशीर्वाद के बदौलत आज यह स्वर्णिम अवसर हमारे बीच में आया है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिसे कोई जीत न सके धरती का बैकुंठ कहे जाने वाला सनातन धर्म का केंद्र बिंदु श्री धाम अयोध्या से पधारे हुए प्रातःकाल स्मरणीय श्री श्री 1008 कथा व्यास जी महाराज, जिनकी कथा को सुनने के लिए भारतवर्ष में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लालायित रहते हैं और चाह करके भी लोग कार्यक्रम नहीं ले पाते हैं। आज ये स्वर्णिम अवसर है कि ऐसे महा संत हम लोगों के कल्याण के लिए दूसरी बार हमारे इस क्षेत्र में आकर के हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कृपा किए हैं। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, और जब खुद संत अतिथि बन के आते हैं तो फिर उनके बखान में शब्द नहीं होता।
हम भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के अभिभावक, संरक्षक और धर्म कार्य में हमेशा आगे बढ़कर हाथ बटाने वाले सर्वश्री परम आदरणीय श्री फूलचंद सिंह जी, हम चाहेंगे बड़े अदब के साथ किया पावे और माननीय कथा व्यास जी के व्यासपीठ पर माल्यार्पण कर आप स्वागत करें परम आदरणीय श्री फूलचंद सिंह जी। इसी क्रम में हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति श्री काली प्रसाद शर्मा जी हैं, हम चाहेंगे आप भी हमारे बीच में आवें और कथा व्यास का आशीर्वाद लें। जब से ये कथा शुरू हुई है, हर स्तर पर लग करके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देवी प्रसाद शर्मा जी से हम निवेदन करेंगे आप मंच पे आ जाएं। श्री रंग पाल गौड़ जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप आवें और कथा व्यास जी का आशीर्वाद लें। श्री अनुपम यादव जी, श्री सोनू गौड़ जी, श्री छोटू शर्मा जी, श्री दीपचंद जी, श्री मंटू सिंह जी और श्री राजमन यादव जी, हम चाहेंगे आप भी आवें और कथा व्यास का आशीर्वाद लें। किसी भी कार्यक्रम अगर सफलता पूर्वक सफल हो रहा है तो उसके पीछे निश्चित रूप से शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमारे सीमा के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो धूल भरी आंधियों में खड़े होकर के इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे देश के लोग खुशहाल रहें। ऐसे परम आदरणीय सूबेदार साहब श्री कृष्ण त्रिपाठी जी हैं, हम चाहेंगे कि आप आवें और कथा व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय श्री कृष्ण त्रिपाठी जी, श्री भरत लाल जी भी हैं, हम चाहेंगे आप भी आवें और आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार प्रेम से बोलिए मां सती महारानी की। माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, श्री मंटू सिंह जी भी यहां बैठे हैं, हम चाहेंगे आप भी आवें। आप सभी कथा प्रेमियों से निवेदन है कि यथाशीघ्र महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी सरिता निकलने वाली है। आपने दैनिक कार्यों को विराम देकर यहां में और इस तरह से कार्यक्रम माल्यार्पण का समाप्त हुआ, उससे पहले हम निवेदन करें परम पूज्य व्यास जी से कि वो कथा की अमृतमयी रसपान कराएं। मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण करके मैं चाहता हूं कि मैं भी एक माला महाराज जी के चरणों में प्रदान करूं। उसके बाद एक कहावत है, दीपक तले अधेरा है, जो पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहा है आदरणीय त्रिपाठी जी।
और कह रहे हैं अधिकार का अतिक्रमण करके। हरियो श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाः पुरतो मारुतुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वाग्रथाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादिधरं विराजिये पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए नित्य प्रति की भांति कथा में प्रवेश लेने से पूर्व मन को कथा में प्रवेश दिलाने के लिए, लोग कहते हैं ना ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, मन इतना दुष्ट है कि मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है। हाँ, मन कहीं रुकता नहीं है। एक महात्मा जी थे, वो मंच पे चढ़े, मंच था रंग का मंच, जो आजकल होते हैं ना वो पटांग गाने गाते हैं। तो महात्मा जी नौ युवक थे, मंच पे चढ़ गए, बोले आज हम भी गाएंगे। तो गांव वालों ने कहा स्वामी जी ये आपके लायक मंच नहीं है, यहाँ तो दूसरा गाया जा रहा है। बोले कोई बात नहीं, दो टोक हम भी कहा गए। सौ की थे मैं बोलने के, तो माइक्रोफोन पकड़ा। अब महात्मा को देख के सब हंसे और महात्मा जी ने कहा मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। नीचे से आवाज आई वाह 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 क्या बात है, आगे कहिए आगे कहिए। महाराज जी ने कहा मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। नीचे से आवाज आई कि बस इतने रहेगा कि और आगे बढ़ेगा। महात्मा जी ने कहा इसकी रफ्तार देख रहे हो, और कितना आगे बढ़ जाए, ये मन की गति देख रहे हो, एक सेकंड में दिल्ली तो कभी लंदन पहुंच जाता, और कितना आगे बढ़ जाऊं। बोले मन इतना दुष्ट है, मन इतना चंचल है कि आप माला लेके बैठ जाओ,
राम राम करो तो मन पहुंच जाता है चौराहे पे। मन इतना दुष्ट है, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने डांट लगाई। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। सठ का अर्थ बोले दुष्ट मना, राम भज। मन ने कहा नहीं भजूंगा, भजन से क्या मिलेगा, हम तो काम भजेंगे, मकान भजेंगे, दुकान भजेंगे, संतान और संसार भजेंगे, क्या लाभ मिलेगा राम भजन से। तुलसीदास जी ने कहा किसने गति नहीं पाई, सब अहिल्या सदन कसाई, नाम जपंते मुक्ति पाई। और तेरा भी लक्ष्य यही है कि मुक्ति पा जाए, इसीलिए तो आया है। और मुक्ति मिलेगा कैसे, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति देता हो वही मुकुंद है। और मुक्ति कौन दिलाएगा, बोले माधव दिलाएंगे, राघव दिलाएंगे, और राघव और माधव में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष हैं, दोनों एक ही। एक बार तुलसीदास जी पहुंच गए वृंदावन यात्रा करने, तो व्रजवासियों ने देखा तुलसीदास जी सीताराम सीताराम गाए जा रहे थे। व्रजवासियों ने कहा गोस्वामी जी ये वृंदावन है, अयोध्या नहीं है, यहाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा जब तक हम आपके सरकार को देखेंगे नहीं तब तक कैसे बोलेंगे उनके बारे में, देख ले कैसे हैं, राम जी को देखे हैं इसलिए राम राम बोलते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। मंदिर में पहुंचे तो देखा राधिका जी के बाहों में हाथ डाल के खड़े थे, सरकार हमारे कृष्ण भगवान। तुलसीदास जी ने कहा आप इतने बिगड़ गए हो, हमें नहीं पता था आपकी क्या छवि थी अयोध्या में, कैसे रहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, लोग आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, कहां कहूं छवि आपकी, भले भी राजो नाथ क्या छवि थी आपकी। अरे मैं जानता हूं आप वही राम हो कृष्ण के रूप में आए हो, लेकिन तुलसी मस्तक तब नब, जब धनुष बाण लो हाथ, मैं जानता हूं आप वही हो, लेकिन मैं तब प्रणाम करूंगा जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन दोगे तब। अगले पल क्या हुआ, बोले कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ अपने जन के काज से श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण भगवान ने रघुनाथ जी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया है, आज भी वो मंदिर वृंदावन में है। तो राम कृष्ण दोनों एक हैं, चाहे राम कह ले चाहे श्याम कह ले। और मन कौन लगाएगा कथा में, बोले भगवान लगाएंगे। तो आइए हम भी कुछ समय भगवान के नाम का आश्रय लें, जिससे ठाकुर जी की कृपा हम पे हो, हम कथा कर सकें और आप कथा सुन सकें। अच्छा आप अनुभव करिए कथा पांडाल से बाहर जाओ तो कितना टेंशन रहता है आपको भी।
सबको भी रहता है ना माता जी। अच्छा यहाँ आए तो सब कुछ भूल जाता है ना, यही मेरी भी गति है। बोले कितना भी उलझन हो कितना, क्योंकि हम भी सांसारिक हैं, संसार में रहते हैं, कथा करते हैं, बस ये अनुभव है कि ठाकुर जी का भजन करो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैसे मंच पे आता हूँ, कोई वार्ता हो, कहीं की कोई बात हो, सब कुछ भूल जाता है। और ये क्यों? क्योंकि व्यास जी ने लिख दिया है, ए तस्माद अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते, भगवान के कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने का, मन को कंसंट्रेट करने का, मन को पवित्र करने का और कोई साधन है ही नहीं। अनुभव करिए माता जी, सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या जब से यहाँ बैठी हो मन भाग रहा है मकान दुकान में? किसी का भाग रहा हो तो बताओ। अच्छा किसी का भाग भी रहा होगा तो हाथ नहीं उठाएंगे बदनामी की डर से। बोले भागता ही नहीं है। क्यों देवियां, भाग रहा है? नहीं भाग रहा ना, तो और नहीं भागे, इसलिए आइए भगवान के नाम का आश्रय लें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश लेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के प्रेम से भाव से गाएंगे। भज मन राम सीता राम, सीता राम सीता राम, भज मन राम सीता राम, सीता राम सीता भजमन राम, राधे श्याम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम। जय हो कोपल में नाम बनाया प्रथम पूज गण, पति जी कोपल में यह नाम बनाया प्रथम पूज गण, पति जी कोपल में यह नाम बनाया प्रथम पूज गण, पति जी कोपल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। क्या हुआ लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हर के धाम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, भजमन राम सीता राम, सीता राम सीता राम, जय हो। क्या महिमा है इस नाम की, कितना प्रभावशाली है।
कहूं कहां लगी राम नाम बड़ाई। कहूं कहां कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। क्या समस्या आ रही है? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुड़गाई। और क्या महिमा है इस नाम की? बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। रंग बलि के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही कोटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही कोटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही कोटी प्यारी है। नारद की वीणा पर बजता, नारद की वीणा पर बजता ये ही सुंदर नाम। सीताराम 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 भज भज राम राधे श्याम सीता एक बार सभी लोग करके ताली सेवा करते हुए मेरे साथ गाएंगे और कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे? हमारे गांव में अइले राधे श्याम हो पड़ेला झूर झूर बोलिया। हमारे गांव में अइले राधे श्याम हो पड़ेला झूर झूर बोलिया। झूर बोलिया झूर झूर जोर जोर बोलिया। हमारे गांव अइले सीताराम हो पड़े कोई हम से ना पूछे। हमारे घर अइले राधे श्याम हो अनंत कोई हम से ना पूछे। पूछे कोई हमसे न पूछे, हमसे न पूछे कोई हमसे न पूछे। क्यों? क्योंकि देखला राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम।
याद कर लीजिए। नाम कहां से आया? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत कथा दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने शुकाचार्य को भक्त दिया और शुकाचार्य महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। जहां पर अन्य ऋषियों ने इस कथा को सुना और कथा को सुनो अंतिम सार क्या निकलता है? सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल। इसका अर्थ क्या है? बोले सभी उपनिषदें शास्त्र पुराण क्या है? बोले गाय हैं। और इसको दुहने वाले कौन हैं? गोपाल नंदन। एक जगह एक व्यक्ति पहुंचा तो उसने कहा कोई ऊंची बात बताओ। ऊंची बात बताओ तो महाराज जी ने कहा बैठो। बोले भागवत कथा सुना? नहीं नहीं, कोई ऊंची बात। और ऊंची बात? अच्छा राम कथा सुना? नहीं नहीं, कोई ऊंची बात। अच्छा गीता सुना है? हाँ हाँ चलेगा। कुछ ज्ञानी होते हैं ना? तो उन्होंने कहा सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना। बोले समझ में आ रहा? उन्होंने कहा अरे हमें नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा। बोले क्या अर्थ है? बोले महाराज आपने कहा सब तो समझ में आया लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। बोले क्या? बोले आपने कहा सभी उपनिषदें गाय हैं लेकिन आपने कहा दोगधा गोपाल नंदना, ये दो गधा कौन है? गुरु जी ने कहा बेटा अब क्या समझाएं, एक आप हो कि आप समझ नहीं पाए और दूसरे गधा हम। बोले कथा खूब सुनाओ और कथा प्रेमी जो कथा श्रोता है एक अक्षर उस कथा का जीवन में ना उतार पाए तो वक्ता का कथा कहना व्यर्थ और श्रोताओं का सुनना भी व्यर्थ। कहां से आया नाम? ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। और बाबा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बाबा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। घंटे के ध्वनि में भी बसता, घंटे के ध्वनि में भी बसता ये अनमोल नाम सीताराम 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 प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। शिव भगवान की जय। सती मैया की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रणिंदित प्रणिंदित पीतांबरधारी पीतांबरधारी नंद नंदनो
राजेंद्र नंदन श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे श्याम सीताराम 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 उसको बंद कर दिया, चल ही नहीं रहा था। तरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार त्रिंदित त्रिंदित पीतांबरधारी नंद नंदनो व्रजेंद्र नंदन यत्कुल नंदनो श्री कृष्णचंद्र प्रभु की शब्द स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ सती अनुसुईया जगत जननी जगदम्बा जानकी माँ के पाद पद्मों का अवलोकन करने वाली अनुकरणीय वंदनीय मातृशक्ति माताएं तथा बहनें पितातुल्य वृद्धजन नौजवान साथियों सुस्नेहिल प्यारे प्यारे बच्चों एवं समस्त भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों वहीं कुछ साठ कर एक बार हम बस्ती गए तो इच्छा हुई दाढ़ी बनवा लें, तो दाढ़ी बनवाने गए तो जो बना रहा था कम से कम पांच जगह काटा। जब पांच जगह काटा तो हमने भैया क्यों भैया क्या दिक्कत है आपको, तो कहा गुरुजी अभी सीख रहे हैं। हमने कहा भैया जितना सीख पाओ सीख लो, मिल गया है। तब से मैंने दाढ़ी छिलाना ही बंद कर दिया है, तब से दाढ़ी नहीं छिलाता हूँ, कटा लेता हूँ कि कट जाएगा कहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। दास निवेदन करे कि कल के पावन प्रसंग में मतलब बोलने की इच्छा नहीं है। हम लोगों ने कथा सुनी कि आत्मदेव ने गृह का त्याग कर दिया, जंगल गए। बोले क्यों? संतान नहीं है तो आत्महत्या करके मर जाएंगे। हाँ, आजकल हर व्यक्ति यही सोचता है, जब विपत्तियों से निपट नहीं पाता सोचता है आत्महत्या कर लेंगे। और मैं बताऊं, अगर आपको जीवन मिला है और जीवन में प्रतिदिन आपको संकटों का सामना करना पड़ेगा, किसी ने कहा है संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। और जिस दिन आपको जीवन में संघर्ष ना करना पड़े उस दिन आप ये समझ लेना आप विकास के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। भाई संकट उसे नहीं करना पड़ेगा जिसे दाल रोटी खा के केवल जीना है, जाके मांग के भी खा रहा। लेकिन जिसे उत्थान के बारे में अपने सोचना है उसको संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। और कभी भी विषम परिस्थिति भी आए तो भी आत्महत्या का निर्णय नहीं लेना चाहिए।
गृहं त्यक्त्वा वनं गताः, घर का त्याग किया जंगल गए, आत्महत्या करके मर जाएंगे। महात्मा ने देखा, महात्माओं का हृदय तो कोमल होता है, महात्मा चाहते हैं किसी का हित कर दें, सबके हित के बारे में सोचते हैं। आजकल थोड़ा सा आपके विपरीत कोई कार्य कर दे तो लोग कहते हैं भैया उनका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भाई अगर महात्मा है, संत है, तो उसके ऊपर कितना भी संकट आ जाए वो चाह करके किसी को श्राप भी नहीं देता है। और जिसका विनाश का समय आ जाए तो समझ लेना कि अगर कोई संतों का ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है तो वो जान लीजिए पतन के गर्त में जा रहा है। ब्राह्मण कौन? जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, संध्या वंदन करने वाला है, जप तप करने वाला है, ऐसे ब्राह्मण का अगर कोई विरोध कर रहा है तो निश्चित है उसके पतन का समय आ चुका है। ऐसे संतों का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसका निश्चित रूप से विनाश होना सुनिश्चित है। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, आकर मति पहिले हरि लीन्हा, आकर मति पहिले समय आ जाता है। भगवान उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, वो महात्माओं का भी विरोध करता है। कई लोग, एक लोग हमसे मिले बोले महाराज अयोध्या में बड़े ठगी महात्मा लोग रहते हैं। हमने कहा और कुछ? हजारों कमियां बताई उन्होंने। मैंने एक शब्द उनसे कहा, आप शायद अयोध्या में कमियां ढूंढने गए थे, क्योंकि अयोध्या वो है कि भगवान के तीर्थ में जाए व्यक्ति के मन में जैसा चिंतन आएगा भगवान उसी स्वरूप में उसको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत इतनी देखी तैसी। तो अयोध्या तो वो है, भगवान की भूमि है। आप दोष देखने गए थे, आपको दोष दिखाई पड़ा। अगर आप अयोध्या में गुण देखने गए होते तो अयोध्या में गुण ही गुण भरा पड़ा है। आपने शायद उन महात्माओं को नहीं देखा जो चार अंगुल की कौपिन लंगोटी लपेट करके घूमते हैं, राम नाम में मस्त रहते हैं। उन महात्माओं के आश्रमों को नहीं देखा जहां पचासों पचास गरीब घर के बच्चे रहते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पाते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं शिक्षाओं को। उन महात्माओं को नहीं देखा जिनके यहां भंडारे चला करते हैं, कोई भी जाए चकाचक पावे फ्री में। जाके देखना छोटी छावनी में, अन्न क्षेत्र है, भोजन के समय कोई पहुंच जाए भोजन अवश्य मिलेगा। अयोध्या में एक है गुण सबसे बड़ा कि अयोध्या में जो रहे वो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि मां है जनक नंदिनी अन्नपूर्णा जी। दास निवेदन करे, जिसका विनाश का समय आता है वो महात्माओं में भी दोष ढूंढ लेता है। लेकिन महात्मा का अपना क्या विचार करिए, न उनका कोई मकान है, न कोई दुकान है, न संतान है, किसके लिए जिएगा वो? वो हमेशा अपने धर्म के लिए ही जीता है। महात्मा खरबपति हो जाए लेकिन वो धन कहां जाएगा? या तो किसी ट्रस्ट में जाएगा या तो धर्म के उत्थान में ही जाएगा। जब महात्मा नहीं रहेंगे तो उस धन का कोई वारिस नहीं होगा कि उनके घर का कोई व्यक्ति हो ले लेगा। कोई महात्मा महंत बनेगा वही पाएगा, वो भी धर्म का उत्थान ही करेगा।
महात्मा ने पंडित जी को देखा, जा करके उनको समझाया, पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, महाराज न पुत्रो ना भी पुत्रवा, न कोई बेटा है न कोई बेटी है, रोऊं नहीं तो क्या करूं। महात्मा ने पंडित जी को समझाया, बेटा क्यों चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए? बोले, महाराज पुत्र होगा तभी हमारी गति होगी, पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः, जो पिता को नरक जाने से बचा ले वही पुत्र है। बोले, तो कैसे नरक जाने से बचाएगा? बोले, जब हम मर जाएंगे तो मेरे लिए पिंडदान करेगा, मेरा अंत्येष्टि संस्कार करेगा, तब मेरी गति हो जाएगी। महात्मा ने समझाया, महाराज एक बात बताओ, इसकी क्या गारंटी कि आपका बेटा आपका पिंडदान करेगा, आपका संस्कार करेगा, क्या गारंटी है? आपको बताऊं, ज्यादा नहीं, 4 वर्ष पहले की बात है, लखनऊ में एक पति पत्नी रहते थे, 2 बेटे थे, दोनों विदेश रहते थे। माँ का देहावसान हो गया, सूचना दिया बच्चों को, तो बड़े बेटे ने कहा, छोटे से जाओ तुम संस्कार करके आओ। जब छोटा बेटा आया तो पिताजी ने पूछा छोटे बच्चे से कि बेटा वो बड़े कहाँ हैं, मतलब उनका नाम बड़े था, वो क्यों नहीं आए? तो उसके मुख से सही बात निकल गई, जो सत्य थी वो निकल गई। छोटे बेटे ने कह दिया कि पिताजी भैया ने कहा है माँ मरी है, तुम चले जाओ, और पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। उसने बंदूक निकाली, अंदर गया, एक पत्र लिखा, बेटा बड़े के आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा भी संस्कार करते हुए जाना, और अपने पिस्तौल से अपने आप को समाप्त कर दिया। इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बेटा मेरा संस्कार करेगा? आप विचार करिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो 4ों में से कोई सामने नहीं था। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, लेकिन अंत समय कोई नहीं सामने, सब जल करके भस्म हो गए ऋषि के कोप से, श्राप से। इसकी क्या गारंटी कि मेरे संतान मेरे लिए संस्कार करेंगे, कर्मकांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे? अरे आप जीवन में अनुभव करिए, मरने के बाद क्या करेंगे जब जीवित ही आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं? माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे वृद्धाश्रम की तलाश करते हैं, कोई आश्रम मिल जाए माता पिता को भेज देंगे। आज के परिवेश में वृद्धाश्रम अधिक मात्रा में बन रहे हैं। बोले, क्यों बन रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जिसकी डिमांड होगी वही बढ़ेगा। तो आज के परिवेश में लोग फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, और बच्चे जैसे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, जाओ। और हमें करना क्या चाहिए? बोले, हमें संस्कार ऐसा लेना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि वृद्धा आश्रम जाने की आवश्यकता ना पड़े, आपका घर ही हमेशा के लिए आश्रम हो जाए। घर को आश्रम बनाओ, आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। एक बच्चा था, उसके दादाजी बूढ़े हो गए थे, तो माता पिता क्या करते थे? बोले, फूटे बर्तन में भोजन देते थे, फटा पुराना कपड़ा देते थे। जब बाबा का शरीर छूट गया तो उस फूटे बर्तन को उसके बच्चे ने, उसके पुत्र ने क्या किया? प्रवाहित करना चाहा। छोटा सा बच्चा था, अबोध बालक, दौड़ करके उस फटे पुराने वस्त्र को पकड़ा और फूटे बर्तनों को पकड़ा, उसको उठा के ले आया, घर में रखने लगा। तो उस बच्चे के पिताजी ने पूछा, बेटा इसको क्या करोगे, अब तो दादाजी मर गए, अब क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, पिताजी दादाजी बूढ़े थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे,
फूटे बर्तन में भोजन करते थे। एक दिन आप भी तो बूढ़े होगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो हमें कोई दूसरा बर्तन फोड़ना पड़ेगा, कपड़ा फाड़ना पड़ेगा, उससे बढ़िया यही रख लेते हैं, आपके काम आएगा। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। हम बच्चों को ऊटपटांग फिल्म दिखाएंगे तो बच्चे काम भक्त बनेंगे, वासना के वशीभूत हो जाएंगे और तब क्या करेंगे, वेश्याओं का सेवन करेंगे। आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी बढ़िया से सेवा करेंगे। हाँ, अगर बच्चे को राम भक्त बनाओगे, राम जी का संस्कार दोगे तो बच्चा राम भक्त बनेगा, और जब राम भक्त बनेगा तो अनुकरण करेगा कि राम जी का क्या चरित्र था, राम जी क्या करते थे। प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, माते पिता गुरु वही माता, प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, माते पिता गुरु वही माता, माते पिता गुरु वही माता। राम जी का चरित्र कैसा था, बोले प्रातः काल उठते थे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, माथा टेकते थे। बच्चा सुनेगा, जीवन में उतारेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद जब यही सुनेगा तो यही उतारेगा, और जब देखेगा उटपटांग पिक्चर, अर्धनग्न स्त्रियों के दर्शन करेगा, मांस मदिरा के सेवन करते हुए चलचित्रों को देखेगा तो वही जीवन में उतारेगा, तब वो राम भक्त नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, काम भक्त बनेगा। और तब क्या होगा, तो एक महाशय ने हमें बताया था कि महाराज ये जो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा है, इस चौपाई को अब बदल देना चाहिए। हमने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमको बताया था कि प्रात काल उठ कर के पूता दादा माई के मारे, अब हम क्यों कहें, हम क्यों कहें, आप लोग समझदार हैं क्यों बाबू पीएन सिंह जी, ऐसे तो होता है लेकिन कब, जब आप अपने बच्चे को काम भक्त बनाओगे, उठपटांग चित्र दिखाओगे तो निश्चित रूप से ये दशा आपकी होगी, हंसने की बात नहीं है। अगर बढ़िया संस्कार होगा तो बच्चे आप के बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, आपका पिंडदान करेंगे, अगर बढ़िया संस्कार नहीं हुआ तो कहीं ले जाके पटक आएंगे। महात्मा ने पंडित जी को समझाया, क्या गारंटी है आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, इसकी क्या गारंटी है। पिंडदान की चिंता करते हो, अरे उन महात्माओं का पिंडदान कौन करता है जो बाबा बन जाते हैं, बोले वो स्वयं कर लेते हैं, सन्यासी कोई ऐसे नहीं बन जाता है, देखने में लगता है कि सन्यासी, वो जीवित ही व्यक्ति अपना श्राद्ध कर देता है, पिंडदान कर देता है, मरने के बाद उसका कोई संस्कार ना हो उसको गति मिल जाएगी। महात्मा ने समझाया कि पंडित जी ये शरीर भी एक पिंड है, क्या है, पिंड है, इस शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, दान कर दो, हो जाएगा पिंडदान। राम के चरणों में अपने आप को निछावर कर दो, बाद में पिंडदान नहीं होगा तब भी गति हो जाएगी। लेकिन कब, बुढ़ापे तक जाते 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 सन्यास आश्रम में प्रवेश ले लोगे, अपना पिंडदान कर दोगे तब। लोग कहते नहीं
समझो हम संसार के लिए मर चुके हैं। अब ये व्यक्ति अपना पिंडदान कर दिया तो उसको केवल परमात्मा से प्रेम है, संसार में रहते हुए संसार से वो विरक्त रहता है। कुछ महात्माएं माताएं बड़ी ध्यान से देखती हैं जब हम बोलते हैं, उनको लगता है कि बाबा भी तो नहीं कर दिए अपना, नहीं नहीं अभी हम नहीं किए हैं, चिंता मत करिएगा। हाँ सोचती इतने छोटे बाबा कहीं कर तो नहीं दिए। दास निवेदन करे, पंडित जी ने समझाया क्या करोगे बेटा लेकर के, पंडित जी को समझाया महात्मा ने, पंडित जी ने कहा महात्मा से, महात्मन ये ब्रह्म ज्ञान अपना अपने पास रखो, हम भी कथावाचक हैं, हम भी कथा कर लेते हैं, अगर कोई उपाय हो बेटा प्राप्ति का तो दो, नहीं तो आपके सामने इसी नदी में कूद करके मर जाएंगे, आप मेरे सामने खड़े रहोगे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। पंडित जी ने कहा कि सप्त जन्मावधि, सात जन्म तक आपकी मस्तक की रेखा बता रही है, न कोई बेटा है न कोई बेटी है। अरे पंडित जी को तो इसी जन्म की चिंता पड़ी थी, महात्मा ने तो सात जन्म के बारे में बता करके और चिंतित कर दिया, अब क्या होगा। बोले अगर बेटा नहीं होगा तो आपके सामने कूद के नदी में मरूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा क्योंकि आपके सामने मरूंगा। कोई अगर मेरे सामने आत्महत्या करके मर जाए तो उसके हत्या की दोषी हम होंगे क्योंकि हम उसे बचा नहीं पाए। और जैसे धमकी दिया महात्मा ने क्या किया, झोले में हाथ डाला, फल को निकाला फूका और हाथ में फल दिया, लो एकदम भक्षय पत्न्या तुम, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बेटा होगा। अच्छा महात्मा लोग झूठ बोलते हैं क्या? एक लोगों ने हमसे पूछा था महाराज ये कौन सी बात हुई, एक बार कह रहे हैं सात जन्म तक न कोई बेटा है न कोई बेटी है और जैसे धमकी मिला कि आपके सामने मरेंगे, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, फल थमा दिया, लो पत्नी को खिला देना बेटा हो जाएगा, झूठ बोलते हैं क्या महात्मा? हमने कहा ना झूठ नहीं बोलते हैं, महात्मा दूरगामी होते हैं, उन्हें पता है कि इसको बेटा होना नहीं है तो हम फल दे भी देंगे तो अपनी पत्नी को खिला नहीं पाएगा, हम क्यों ब्रह्म हत्या के दोषी बने, किसी तरह से इससे पाला छुड़ाएं अपना, फल को दिया ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, अगर नियम संयम से रहेगी तो सुंदर बेटा होगा। अच्छा पंडित जी दौड़ पड़े फल को लेकर के और जैसे घर पहुंचा, जी सुनती हो पत्न्या पाणो फलम दत्वा, पत्नी के हाथ में फल दिया और बोले इसको खा लेना। महात्मा ने क्या कहा था, फल को ले जाके खिला देना, और पंडित जी ने कौन सी गलती करी, बोले इसको खा लेना। अच्छा माताएं बड़ी तर्क करके कोई बात मानती हैं, उनका स्वभाव होता है, हाँ तर्क के मामले में पूजा पाठ धर्म कर्म के मामले में जो तर्क होता है उसमें स्त्रियां ज्यादा माहिर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। पहले हम विवाह कराने जाया करते थे ज्यादा, हाँ पूजा पाठ कराते थे तो रात भर माताएं एक ही शब्द कहती थी, बाबा तू गलत करावत है। अच्छा हमने अगर मैं कहता था कि पुस्तक में दिखाएं तो वो एक ही शब्द कहती थी, बाबा हमारे बाबा ऐसे करत रही ने। अच्छा इसका कौन सा पुस्तक होगा, हमारे बाबा ऐसे करत रही ने, अब एकरे लिए कौन प्रमाण आई, हाँ माता पीट लो भैया तुम्हारे बाबा को बोला ले तू। हाँ एक दिन बड़ा क्रोध लगा, हाँ मैंने सोच लिया अब किसी विषम परिस्थिति में ही विवाह कराने जाऊंगा, अब जब नहीं चलता है तब जाते हैं विवाह कराने, कहीं वर्ष में एकाद हो जाए तो हो जाए, नहीं उससे भी बच जाते हैं, कौन झेले इनको, ये एक ही शब्द कहेंगे बाबा हमारे ऐसे कराते थे। हाँ अच्छा पूछ लो तो बताएंगे सारा चीज ऐसे होता है। माता जी लोग एक बात बताइए, माताएं केवल बताएंगी बहनें नहीं बताएंगी, विवाह में कै फेरा होता है, हाँ ऐसे हाथ करके बताओ, तीन चार पांच कितना होता हम गिने, हाँ सात फेरा, वो देखा बुढ़िया माई बताओ थी सात फेरा,
कितना? अच्छा पांच बता रही हैं, वाह। और सात होता है? हाँ माताएं गाना गाती हैं, जब तक पूरे ना हो फेरे सात, हाँ तब तक दुल्हा दुल्हन पता नहीं कैसे गाती हैं, हमको नहीं पता है। हाँ कितने कितनी परिक्रमा है माता जी, कितना है? बोलिए बोलिए, आप लोग क्या साथ होता है? अच्छा और कोई बताएगा? आप सबको छोटे कोई बताए कितना परिक्रमा होता है, बहने भी बताएं, भाई लोग भी बता सकते हैं, कोई पंडित जी हो कराने वाले वो भी बता सकते हैं, परिक्रमा कितनी होती है? एक परंपरा बन गई सात परिक्रमा की, यथार्थ में परिक्रमा चार होती है। विवाह के प्रधान देवता कौन है? अग्नि। और सारे देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा होनी है शास्त्रों में बताया गया है। शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, ऐसे आधा करके घूम जाते हैं, पूरा नहीं किया जाता है। दुर्गा जी की एक परिक्रमा होती है, राम जी की चार, विष्णु भगवान का, गणेश जी की पांच परिक्रमा होती है, और अग्नि भगवान की चार परिक्रमा होती है। विवाह के प्रधान देवता कौन है? अग्नि। अब सप्तपदी है, सप्तपदी तो हमको लग रहा है कि पूर्व में किसी ने उसको पढ़ा नहीं होगा, सही से अध्ययन नहीं किया होगा, अथवा पहले गांव में ऐसे भी लोग पंडित बन जाते थे देखते देखते, अब तो लोग बनारस काशी पढ़ने जाते हैं। तो सप्तपदी को लोगों ने क्या किया? सात परिक्रमा मान लिया। सप्तपदी का अर्थ होता है सात पग चलना, जो सात पुंज रखते हैं और उस पे कन्या के पैर को पकड़ करके वर क्या करता है, अंगूठे को लोढ़े पर किसी पत्थर पर स्पर्श कराता है, होता ना ये चीज, ये सात पग चलने का विधान है। तो इसको क्या किया लोगों ने, सात परिक्रमा बना दिया। सात परिक्रमा क्या है और सप्तपदी क्या है और प्रदक्षिणा क्या है, इसको समझिए। चार परिक्रमा क्यों है? बोले पहले परिक्रमा में वर आगे रहता है, दूसरे में वर आगे रहता है, तीसरे में वर आगे रहता है, चौथे में कन्या। जब चार सात परिक्रमा होता तो चार में वर आगे रहता, तीन में कन्या आगे करते हैं। लेकिन करने का क्या विधान है? तीन में वर आगे रहेगा, एक में कन्या आगे रहेगी, क्या मतलब है? बोले पहला परिक्रमा जो है उसका अर्थ है धर्म, विवाह कर रहे हम लोग धार्मिक हों, भोग विलास में डूब ना जाएं। अर्थ बोले हमारे यहां आर्थिक जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो, हमारा परिवार बढ़िया से चलता रहे। धर्म अर्थ काम, काम का अभिप्राय है संतान से, हमारी वंश परंपरा बाधित ना हो, संतान उत्पत्ति हो जिससे हमारी वंश परंपरा आगे बढ़े, हो गया। अब चौथे परिक्रमा का जो अर्थ है वो है मोक्ष, इसमें कन्या आगे हो जाती है। बोले क्यों? जब मुक्ति की बारी आई, मोक्ष की बारी आई तो कन्या आगे हो गई। बोले क्यों? प्रार्थना करती है, प्रभु अगर मरना हो, इस संसार से मुक्त होना हो तो पहले मैं मुक्त हूं, उसके बाद में मेरे पति देवता मेरे पीछे जाए, मुझे वैधव्य जीवन व्यतीत ना करना पड़े, विधवा ना बनना पड़े। ये है चार परिक्रमा, लोगों ने बना कितना दिया? सात। और गांव में कराओ तो माताएं कहेंगी हमारे बाबा ऐसे कराते थे, अब पुस्तक खोल के रख दोगे तो वो नहीं मानने वाली। अच्छा ये सप्तपदी क्या है? सप्तपदी है सात देवताओं को कन्या साक्षी देती है। एक मिशे विष्णु स्तान हेतु, एक मुख के भगवान विष्णु को साक्षी देती है। दिन के मालिक सूर्य, रात्रि के मालिक चंद्रमा को साक्षी देती है। त्रीणी रायस फूखाय विष्णु स्वान हेतु, तीन नेत्र वाले भगवान शंकर को साक्षी देती है। चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा को साक्षी देती है। पंच कन्याओं को साक्षी देती है। छह ऋतुओं को साक्षी देती है। और सप्त ऋषियों को साक्षी देती है कि मैं इस वर के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करके इसके साथ जा रही हूं, अगर मेरे साथ कोई छल कपट करे तो इसके साक्षी आप हो। अब इसको हमने क्या किया? परिक्रमा बना दिया। माता जी कहेंगी बाबा हमारे बाबा ऐसे कराते थे। अब
अपने पंडित जी से पूछिएगा, अगर कोई सात परिक्रमा किसी प्रमाणित ग्रंथ में दिखा दे तो मैं इसी मंच से 21,000 रुपया इनाम देके जाऊंगा उसको, लेकिन प्रमाणित ग्रंथ में। ऐसे तो किताब हम भी लिख सकते हैं, इतना ताल ठोक के कोई नहीं कहेगा, है ही नहीं, कहां से दिखाएगा वो। लेकिन हाँ, जब उससे पूछोगे कराओ कराते क्यों हो, तो एक शब्द रखेगा, ग्राम वचनंच कुर्युः, विवाह में श्मशान में जो गांव के लोग कहें उसको कर लेना चाहिए। लेकिन कब कर लेना चाहिए? जब शास्त्र का लोप ना हो तब करना चाहिए। क्या जरूरी है सात परिक्रमा करने की भाई? इससे क्या उत्थान हो जाएगा? हम धर्मशास्त्र के बात को काट दें, अपने मनमुखी रिवाज को कर ले, इससे क्या लाभ मिल जाएगा? दास निवेदन करे, माताएं तर्क करती हैं, आप रामपुर वाली माताएं ज्यादा ऐसी नहीं हैं, 2 साल हो गया कथा करते, हाँ यहां कोई ऐसी बात नहीं आई। दास निवेदन करें, दुदुली ने फल को लिया, पत्नियां पाणो फलम दत्वा, पंडित जी फल देकर के चले गए, वो फल को लेकर के विचार करने लगी। अरे पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कहीं फल को खाई और मुझे कुछ हो गया, तब ऐसा फल को लेकर के विचार कर रही थी, तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने देखा, अरे बहना बड़ी परेशान है, क्या बात है? तो पड़ोसन से दुदुली ने कहा, बहना तुम्हें नहीं पता है, बड़ी दुखी हूं, हमारे पंडित जी बेचारे सीधे साधे हैं, कोई कुछ भी कह देता है मान लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी ना इसे मानेंगे, कहीं फल खाने से बेटा होता है। पड़ोसन ने पूछा, बात क्या है? बोले, ये पंडित जी फल लेके आए हैं और कहें इसको खा लेना, इसको खाने से बेटा हो जाएगा, कोई महात्मा ने दिया है। पड़ोसन ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से बनती है, महात्माओं के कृपा से आशीर्वाद से कुछ भी संभव है, तो फल को खा ले। उसने कहा, एक बात बताओ, अगर फल खा लिया, कहीं बेटा आ गया, पेट में गर्भ आ गया, तो सुनते हैं कहीं भाग दौड़ नहीं चल सकते हैं जब गर्भ आ जाए? तो पड़ोसन ने समझाया कि तुझे कहां ओलंपिक रेस जीतना है, कहां दौड़ लगानी है, तू घर में बैठी रहना। बोले, घर का काम कौन करेगा भाई? मुझे गर्भ आ जाएगा तो घर का काम कौन करेगा अगर मैं भाग दौड़ नहीं सकती? मान लो घर में कहीं आग लग जाए, तब सब तो भाग खड़े होंगे, तदामे मरणम भवे, तब तो मेरा मरण हो जाएगा। अच्छा, आग ना लगे कोई बात नहीं, मान लो भूकंप आ जाए तब? उसने विचार किया, आखिर मेरे घर का काम कैसे होगा? तो पड़ोसन ने समझाया, एक काम करो, अपनी ननद को बुला लेना, ननद तुम्हारी सेवा कर देगी, ननद तुम्हारी सेवा कर देगी, और जब बाद में बेटा हो जाएगा तो बधैया के रूप में ढेर सारा धन दे देना, उसे प्रसन्नता भी मिलेगी और आपको संतान भी हो जाएगा। दुदुली ने कहा, बहन तुम नहीं जानती हो मेरी ननद को, ननंदा संहरेत तदा, मेरी ननद बहुत बड़ी चुट्टिन है, सब धन उठा ले जाएगी। कहें हंस रही, माता जी आपकी भी है क्या? हाँ, आप लोगों की नहीं है ना, है क्या? लूटन आई हमें ननदी हमार हो, कलैया के कंगन मांगे। हाँ, ननंदा संहरित तदा एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्, ऐसा कुतर्क करके उसने फल को खाया ही नहीं। पड़ोसन माथा पीट करके चली गई। अब क्या हुआ? बोले, अब उसकी सगी बहन आ गई, जिसके यहां खाने के लाले पड़े थे, अभाव था भोजन का, लेकिन संतान पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। हाँ, बोले एम्पायर भी आने वाला था। हाँ, अब बहन आई, बहन के मन में था इसको कोई संतान ना हो, क्यों इससे नहीं होगा तो इसका सारा धन मेरा हो जाएगा, इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने कहा,
दुधली ने कहा रे बहना तू आ गई बहुत अच्छा कि कहीं फल खाने से बेटा होता है। उसने कहा क्यों? बोले महात्मा ने किसी महात्मा ने पंडित जी को दिया था, पंडित जी ने हमें लाके दिया। उसने कहा तुम इन महात्माओं के चक्कर में कहां पड़ गई, कहीं फल खाने से बेटा होगा? केवल फल खाने से ही बेटा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो महात्माओं का आशीर्वाद है। हाँ, बोले पुत्रेष्टि यज्ञ आज भी होता है तो क्या करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे चरु खा लोगे तो बेटा हो जाएगा, वो आशीर्वाद है ठाकुर जी की कृपा। बोले उसके बाद जो क्रियाएं हैं वो तो करनी ही है, करनी है। लोग उसमें तर्क प्रस्तुत करते हैं कि केवल खीर खिला दिया बेटा हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। बोले वो महात्माओं का आशीर्वाद है जो कर्मकांड करके वो बनाते हैं। दास निवेदन करे, दुधली की बहन ने कहा तो बिल्कुल फल को मत खाना, और तुझे बेटे की पड़ी है, इस बार जो बेटा आएगा वो तुम्हें दे दूंगी, और तुझे चिंता है मेरे पति की तो एक काम करना धन दे देना, उनका मुख बंद कर दूंगी, और तू इस फल को गैया को खिला के इसकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। उसने क्या किया, फल को गैया को खिलाया, पेट में कपड़ा बांध करके ढोंग करना शुरू किया। नवे महीने में ला करके दुधली की बहन ने बेटे को दिया और दुधली ने आवाज कर दी, अरे बेटा हो गया, पंडित जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। खड़े होकर के नाचने लगे, बेटा हो गया, बेटा हो गया। इधर 3 महीने बाद गैया ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मानवाकृति का है, मानव के समान है। आत्मदेव जी कह रहे हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फार के देता है। अपने गैया के बच्चे का नामकरण संस्कार किया, नाम रखा गोकर्ण, गैया के कान के समान उनका कान था तो नाम रख दिया गोकर्ण। और आत्मदेव अपने बेटे का नाम रखने जा रहे थे जिसको वो अपना मान रहे थे, उसका नाम रखने जा रहे थे परमात्मा देव। दुधली ने कहा 9 महीना कष्ट हमने झेले हैं बाबा, नाम अपने से मिलता जुलता, 9 माह झेल कर के बचपन जमा किया, 9 माह कष्ट झेल कर बचपन जमा किया, बेटों को नाम बाप का चिपका दिया गया। और पूरे इतिहास में मैंने पढ़ा है एक बेटे का नाम मां से मिलता जुलता हुआ है, किसका? बोले धुंधकारी का। यही दुधली ने कहा मेरा नाम दुधली है तो मेरे बेटे का नाम क्या रहेगा? धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ है जो धुंधुम करो इति धुंधकारी, जो धुमिल धुमिल काम करी वो धुंधकारी है। नामकरण कर दिया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, ख्याति दोनों ने प्राप्त की, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। धुंधकारी हुआ कुख्यात, दुष्ट, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, चोरी डाका करने लगा, पिताजी को खूब पीटता, लाओ धन दो। अब पिताजी कोने में बैठ करके एक दिन रो रहे हैं, खूब पीटा है, शरीर से रक्त स्राव हो रहा है, आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है, तब रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। गोकर्ण जी आए, पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं बेटा धुंधकारी बिगड़ गया है, मेरे मंदिर जैसे पवित्र घर को वेश्यालय बना के रख दिया। गोकर्ण जी ने कहा कि संसार के बहुत से बेटे बिगड़ गए, आपको चिंता नहीं हुई? बोले नहीं हुई इसलिए क्योंकि वो अपने नहीं है, वो अपने नहीं है। तो गोकर्ण जी ने कहा यही भुला देना है कि वो आपका अपना है। उल्टी मार कबीर की चित से दियो उतारी। समझाया पिताजी, आप गृह का त्याग करिए, एकांत में जाकर के भजन करिए, छोड़िए घर परिवार को। अरे जिस बेटे से कष्ट मिल रहा है
जिनसे आपको दुख मिल रहा है भूल जाओ, वो अपना है, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। पिताजी को बच्चे ने समझाया, अक्षरशः सारी बात समझ में आ गई। देहेष्ठिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्, ये देह शरीर जो है इसमें हाड़ मांस भरे पड़े हैं। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोडित लेपनम, शरीर के अंदर क्या है, बोले अस्थियां हैं, अस्थि रूपी स्तंभ हैं, हड्डियां हैं। स्नायुबद्धम नाड़ियां हैं, रक्त हैं, मांस है, ऊपर से लेप लगा दिया चमड़े का, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन अंदर जब कभी फटता है तो दिखाई पड़ता है कितनी विकृतियां हैं। बोले इस देह में जो आपका अभिमान है इसका त्याग करो, जाओ एकांत में बैठ करके कहीं भजन करो। ये जीवन क्या है, जीवन एक यात्रा है और हम सब यात्रा करने निकले हैं। यात्रा में कभी अच्छे यात्री मिलते हैं तो उनसे लगाव हो जाता है, लेकिन जब उनका पड़ाव आता है तो उसे हमें छोड़ना पड़ता है। कोई दुष्ट यात्री मिल जाए यात्रा में तो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, दो चार स्टेशन की और बात है, छूट जाएगा, क्या लड़ना क्या झगड़ना, क्यों माता जी? ऐसे जीवन की यात्रा है, ऐसी यात्रा है जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ट्रेन की तरह, रेलगाड़ी की तरह, जैसे ट्रेन कभी तेज चलता है तो कभी धीरे धीरे, पैसेंजर बनके। ट्रेन की यात्रा दो लोहे की पटरियों से होकर के गुजरती है, चलती है, और जीवन की यात्रा दो सुख और दुख की पटरियों से होकर के गुजरती है। पड़ाव के लिए ट्रेन भी भागता है अपने लक्ष्य के लिए, और हम भी अपने लक्ष्य के लिए भागते हैं। ट्रेन कब तक चलेगा, जब तक उसमें ईंधन है, और हमारी शरीर कब तक चलेगी, जब तक सांसों का ईंधन है। अनुभव करिए, सुनिए। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मैदान तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सीधा मंजिल तक दौड़ी जाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, नए यात्री आते हैं, पुराने छूट जाते हैं।
कोई दुष्ट यात्री मिल जाता है ये सोच करके उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। कोई बात नहीं भैया, दो चार स्टेशन की बात है, ये अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। कोई अच्छा यात्री मिल जाए तब भी उसे छोड़ना पड़ता है, लगाव हो जाता है उससे, वार्तालाप भले बात में हो फोन से, हाँ, लेकिन छोड़ना पड़ता है उसे। ऐसे जीवन की यात्रा में अगर पुत्र के रूप में कोई दुष्ट यात्री मिल जाए उसे भूल जाओ, पत्नी के रूप में अगर कोई दुष्ट मिल गया तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मन से किनारे करके दायित्व का निर्वहन करो, उसे छोड़ मत दो, उसका भरण पोषण करो लेकिन भजन में रम जाओ। अरिस्तु हुए हैं एक बहुत बड़े तात्विक विवेचक, उन्होंने कहा है विवाह करना अनिवार्य विषय है, विवाह सबको करना चाहिए, पत्नी अनुकूल मिले तो गृहस्थ आश्रम में रह करके उत्थान करिए अपना और अपने परिवार का, पत्नी विपरीत मिल जाए तो क्या करिए, बोले हिमालय की तरफ बढ़िए। हिमालय का अभिप्राय क्या है, बोले अपने ऊंचाइयों पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए अथवा विरक्त हो जाइए, करिए, अनिवार्य है, करना चाहिए। हाँ, अगर कोई दुष्ट यात्री मिला तो मन से निकालो, आगे बढ़ो, क्यों, क्योंकि जीवन है, यात्रा में दुख तो मिलेगा, हमारी यात्रा शुरू हुई, आगे बढ़ी, बहन आई यात्रा में तो पता लगा कुछ दिनों के बाद दादी जी की यात्रा पूरी हो गई। अब दादी जी को पकड़ के हम रोते रहे तो कैसे काम चलेगा, बोले उनका यात्रा पूरा हुआ, अब आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। कुछ दिनों के बाद पत्नी आई, नया यात्री जुड़ा, बच्चे हुए तो पता लगा कुछ दिनों के बाद बाबा जी की यात्रा पूरी हो गई, और यात्रा आगे बढ़ा, बेटे का विवाह हुआ, बेटे को बेटा हुआ, माता जी की यात्रा पूरी हुई, पिताजी की यात्रा पूरी हुई, बाद में हमारी भी यात्रा पूरी हो गई। क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या कहना है, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, अल्लाह के सिग्नल का ये खेल। प्रकार के टिकट की आवश्यकता होती है यात्रा करने के लिए, जो गरीब होता है जाता है, और जो धनाढ्य होता है सामान्य व्यक्ति वो स्लीपर में जाता है द्वितीय श्रेणी में, और जो बोलते नहीं भैया ये लखपति हैं करोड़पति हैं वो लोग कहां जाते हैं, एसी में जाते हैं। वाह, ऐसे जीवन के पड़ाव में भी आपको टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। बोले जिनके पास अधम कर्म होगा वो कहां जाएंगे, जनरल में,
कहां नरक जाएंगे नीच कर्म करने वाले। बोले मध्यम कर्म होगा तो कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। छिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य छीण होगा पुनः आकर के यहीं भोगना पड़ेगा। बोले जिसके पास उत्तम कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा, वो कहां जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। जहां जाने के बाद आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हमें कौन सा टिकट लेना, हमें विचार करना होगा। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पीछे आए तो टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पीछे आए तो टिकट दिखा देना। ट्रेन की यात्रा में काला काला कोट पहन करके टीटी आएगा, और जीवन की यात्रा में वो काले काले यमराज के दूत रूपी टीटी आएंगे। हाँ, बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट के सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर पिताजी को समझाया, पिताजी जीवन यात्रा है, हम सब इसके यात्री हैं। यात्रा में दुख भी होगा सुख भी होगा, दुख मिले ईश्वर को भूलो नहीं, अगर सुख मिले तो फूलो नहीं, फूलों का अभिप्राय घमंडी मत बन जाओ। दास निवेदन करे, पिताजी ने बच्चे की बात सुनी, घर को त्याग दिया, एकांत में जाकर के भागवत जी के एकादश स्कंद का पाठ करते हुए भगवान में निमग्न हो गए। अब धुंधकारी आया रात्रि में, मां को पकड़ा, बता कहां कहां धनगाड़ रखा है, चाबी का छल्ला पिताजी तुम्हें देकर के गए थे। मैया ने कहा सारा तो तूने लुटा दिया, अब बचा कहां है। मैया को तीन चार चपाता लगाया, मैया अनपढ़ थी, कम पढ़ी लिखी थी, तो मैया ने क्या किया, रात्रि में कुएं में कूद करके मर गई, आज की भाषा में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, मर गई। अब गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी जंगल चले गए, माँ मर गई, लग रहा मेरी बारी है, तो भैया के पास आए, भैया अगर आपका आदेश हो तो हम तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते थे। धुंधकारी ने कहा जाओ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। एक बात बताऊं, बड़े पते की बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा। सभी लोग, स्वतंत्रता व्यभिचार की जननी है। क्या है, स्वतंत्रता व्यभिचारी बना देती है। अगर कोई एकदम से स्वतंत्र हो गया तो निश्चित रूप से वो पतन के गर्त में चला जाएगा। अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है, समझाने वाला है, सलाह देने वाला है, तो ठाकुर जी की कृपा मानिए। बोले जिस उपवन में माली नहीं होता है, वहां के वृक्ष फूल फल सब बर्बाद हो जाते हैं। दास निवेदन करे, अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, पांच पांच वेश्याओं को घर में लाके रख लिया, वेश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वेश्याओं ने एक दिन विचार किया कि ये चोरी करता है, डाका डालता है, कभी पकड़ा गया और मेरा नाम लेगा तो हमें भी मरना होगा। हाँ, हमें भी मरना पड़ेगा।
वेश्याएं किसी से प्रेम नहीं करती हैं। उन्हें केवल धन से प्रेम होता है। हाँ, मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, नाम नहीं लूंगा, तो उनके पास किसी देवी जी का फोन आया मेरे सामने। आजकल देवियां फोन करती हैं, तो उनके पास फोन आया तो बोले, हम तुम्हें बहुत मोहाइला, तुमसे ब्याह करा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे ब्याह काहे करा चाहता तू, हम तो गरीब बाटी, हमरे ने खाए के ठिकानबा न रहे ठिकानबा। तो पूछल वहां से आवाज आई कि हम देखली है बढ़िया सूट बूट पहने थवा, हाँ बढ़िया गाड़ी से चला थवा। तो कहले सब दूसरे घर मांग के चली ला। तो कहली कि हमारे पिताजी तब ना मनी है, मतलब प्रेम कैसे रहा, रुपया से गाड़ी घोड़ा से। और ऐसी स्त्रियां किसी की नहीं होती। हाँ, धन देखा तो अगर धन से प्रेम है, धन समाप्त हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम अकारण होता है, कोई कारण नहीं होता है। और आजकल प्रेम के नाम पे ढोंग होता है। हाँ, सच बताइएगा, क्या किसी स्त्री को, स्त्री चर्चा कर लें बाद में पुरुष की चर्चा कर लेंगे, किसी बिटिया को किसी भिखारी से प्रेम हुआ, कितना हैंडसम क्यों ना रहा हो, हुआ नहीं हुआ? किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को किसी झाड़ू पोछा करने वाली से प्रेम हुआ, नहीं हुआ? बोले आजकल कहते हैं ना प्रेम हो गया, बोले नहीं नहीं ढोंग है सर, लव इज अ नॉट टेम्पररी फीलिंग। प्रेम कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है। मां अपने बच्चे को हमेशा प्रेम करती है, मां बच्चे को हमेशा प्रेम करती है, बच्चा बड़ा हुआ गरीब हो या अमीर हो, लेकिन मां कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसका प्रेम कम नहीं होता है। बेटा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, पत्नी आई, पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं, मां का प्रेम कम होता है क्या? माता जी ये प्रेम नहीं है तो क्या है? जो सच्चा प्रेम है आप उसे किनारे कर रहे हो, और जो ढोंगी है उनको आप मान रहे हो ये मेरे प्रेमी है। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम ही वरदान बन गया होता, याचना भक्त में न होती तो भक्त ही भगवान बन गया होता। आजकल ढोंग ज्यादा होता है, और इसी ढोंग के चक्कर में कई लोग युवक युवतियां लटक जाती हैं फंदे पे। हाँ, आए दिन आप अखबारों में पढ़ो तो मिलते हैं फलाने जगह एक युवती ने आत्महत्या कर ली, एक युवक ने आत्महत्या कर लिया, सब ढोंग। सच्चा प्रेमी कभी आत्महत्या करेगा ही नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेमी कौन है? वो ये चाहता मेरा प्रेमास्पद हर तरह से प्रसन्न रहे, वो जैसे खुश रहे उसके प्रसन्नता में हम प्रसन्न हैं, ये प्रेम है। जहां ये आ गया कंडीशन कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तुम भी हमें करो, हम तुमसे प्रेम करते तुम हमसे विवाह कर लो, तब प्रेम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और फिर भी अगर समर्पणता है तो प्रेम है। वेश्याओं ने विचार किया कि अगर ये कहीं पकड़े गए और मेरा नाम लेंगे तो राजा हमें भी दंड देगा, इससे बढ़िया इसे मार देते हैं। रात्रि में जब दंडकारी आया तो वेश्याओं ने क्या किया, मदिरा का पान कराया। कोई सच्ची प्रेमिका पत्नी अपने पति को शराब पिलाएगी, मांस का भक्षण करना सिखाएगी? आजकल कुछ देवियां स्वयं पाती हैं, देवता भी पाते हैं, तो कोई बात ही नहीं। हाँ क्यों, आप लोगों के यहां चलता है माताजी? माताजी, बुढ़िया माताजी, आपके यहां चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। हाँ बहुत बढ़िया, आपके यहां नहीं संकोचार है, मतलब कुछ है दाल में काला? हाँ चेहरा बता देता किसी से अगर पूछो, अगर वो हिचकिचाए समझ लो कुछ बात है। हाँ कोई बात नहीं, हमें दक्षिणा दे दीजिएगा, हमें अयोध्या लेके चले जाएंगे। हाँ जिनको जिनको दक्षिणा देनी होगी वो हमें दे देंगे, आके बता देंगे महाराज जी
ये है, हम दे रहे हैं आपको, हम अयोध्या लेके जाएंगे उसको, सरजू नदी में उसको प्रवाहित कर देंगे। हाँ, अब आपसे दक्षिणा लेके जाएंगे, चिंता मत करिएगा। हाँ, दास निवेदन करे, वेश्याओं ने मदिरा का पान कराया और जैसे पलंग पे लेटा तो वेश्याओं ने शरीर को बांध दिया और डंडा लेके पीटना शुरू किया, हाथ जोड़ लिया, अरे देवियां हमें क्यों मारती हो, आखिर तुम्हारे लिए मैंने चोरी तक किया, डाका तक डाला। वेश्याओं ने कहा यही तो कष्ट है कि तुम्हें चोरी करना पड़ा, धन समाप्त हो गया, कहीं तुम पकड़े गए मेरा नाम लोगे तो मुझे भी दंड मिलेगा। इसलिए तुम्हें मार देते हैं। वेश्याओं ने क्या किया, खूब पीटा, जब प्राण नहीं निकला तो एक वेश्या दौड़ी दौड़ी गई, आग का अंगार लेके आई, धंधकारी के मुख में डाल दिया, धंधकारी आग का गोला पी करके तड़प तड़प करके घोट घोट करके मर गया। किसने कहा है, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ नहीं काम आएगा, सब यही रह जाएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, डुबाएगी ये पाठ की